इंस्टेंट ऑर्डर के कितने दिए हैं मगर फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि क्लाइंट का मुझे कॉल आता है ये फर्स्ट टाइम वाला क्लाइंट था तो बहुत ही जल्दी इन्होंने मतलब झटपट से ही डिज़ाइन सेलेक्ट कर लिया व्हाट्सएप कैटलॉग में देखा होगा उनको फोटो अच्छी लगी बट इनको केक चाहिए था दो से तीन घंटे के बीच में ही और दैट टू तो डॉल केक तो पहले तो मैं थोड़ा सोचा कि डॉल केक फिर मैंने कहा जब इतने केक बना लिए तो डॉल केक क्या बात है तो यहाँ पर मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया तो मैं यहाँ पर मोल्ड का ही यूज़ करती हूँ बट येस मोल्ड के बाद भी हमें देखना रहता है कि डॉल की अच्छे से हम सेटिंग कर पाते हैं या नहीं तो यहाँ पे मैंने अच्छे से सेटिंग से कर ली तो ये थोड़ा सा केक टूट रहा था क्योंकि मैंने बहुत गरम गरम में कट कर दिया मैंने सोचा कि एक ही बार फ्रिज में रखते हैं क्रम कोट करके और इसको ठंडा करते हैं तो यहाँ पर वन के का केक था बटर स्कॉच फ्लेवर में और यहाँ पर मैं कैरमल सॉस डाल रही थी जो कि मैं होम यूज करती हूँ और उसके बाद में डाल रही थी चंक्स भी और यहाँ पर मैं केक को रेडी कर रही थी तो वीडियो में बहुत सारे कमेंट आते हैं कि मैं कौन सा प्रीमिक्स यूज़ करती हूँ तो मैंने यहाँ पे होम मेड प्रीमिक्स ही लिया था और वन के लि के लिए मैंने यहाँ पे लिया था 300 हंड्रेड ग्राम्स मैं अच्छे से इसकी सेटिंग कर रही थी और प्लास्टिक स्मूदनर की हेल्प से मैंने एक शेप दे दी थी और मैंने इसको रख दिया था फिर फ्रिज में सेट होने के लिए तो उसके बाद जो क्लाइंट ने डिज़ाइन मांगा था मैंने वो बनाना स्टार्ट कर दिया तो यहाँ पर मेरी फेवरेट नोजल मैंने नूर की एन वन नोजल ली और मैंने यहाँ पे रोजेट बनाना स्टार्ट कर दिया था तो इसमें क्रीम काफ़ी लगती है तो इसीलिए मेरी कोशिश हमेशा डॉल केक में रहती है कि मैं जब लेयरिंग करूँ या मैं अंदर की साइड में बहुत ज़्यादा क्रीम नहीं लगाऊँ क्योंकि आउटर क्रीम तो लोग निकाल भी देते हैं बट क्योंकि डॉल रहती है ना तो उसकी ड्रेस में हमें एक्स्ट्रा क्रीम और ये सब करना ही पड़ता है डिज़ाइनिंग बनाने के लिए तो यहाँ पर मैंने अच्छे से इसकी पूरी ऊपर तक पहले ड्रेस बना दी थी और जब भी डॉल केक बनाते हैं तो डॉल की जब ड्रेस बनानी होती है तो हम उसको पहले बनाते हैं और फिर केक में लगाते हैं तो इस तरह की क्लाइंट ने सिलेक्ट की थी जिसमें मैंने हार्ट शेप की फ्रंट में ये लगा दी और मैंने फ्रंट में लिख दिया ऑन करने में ये मेरा ही बनाया हुआ एक केक था बहुत पहले मैंने कोविड टाइम्स में बनाया था बट क्लाइंट को बहुत अच्छा लगा तो फिर थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए मैंने छोटे छोटे से ग्रीन फ्लावर्स लगा दिए थे और मेरा डॉल केक बहुत ही प्यारा सा डॉल केक रेडी हो गया था और आप बिलीव नहीं करोगे कि मैंने इसको स्टेटस में लगाया डॉल केक डिलीवर किया तो एक और मेरी क्लाइंट है उसको बड़ा अच्छा लगने का लगा मैं सोचू कभी तो डॉल केक सालों साल ऑर्डर नहीं आता है क्योंकि लोग आजकल थोड़ा पुराना हो गया है और मोर ओवर कुछ तो क्रीम की वजह से इसको पसंद नहीं करते हैं बट कई बार ऐसा होता है कि आपको एकदम से ही ऑर्डर आ जाता है तो मुझे नेक्स्ट डे के लिए एक और डॉल केक का ऑर्डर मिल गया और उनको भी बिल्कुल सेम ही चाहिए था बट उसमें फ़र्क सिर्फ़ इतना था कि उनको थोड़ा सा कलर कॉम्बिनेशन अलग करना था अपनी बेटी के ड्रेस के अकॉर्डिंग बहुत ही लाइट से पिंक कलर की उसी डॉटर की ड्रेस थी तो मैंने उसको भी बनाना स्टार्ट कर दिया था तो यहाँ पे ये बिल्कुल नेक्स्ट डे डिलीवरी वाला केक था सिंपल वानीला फ्लेवर में ये भी मेरा केक था तो मैंने बिल्कुल वैसे ही तो उसको बट ये था कि उसको फॉन्डेंट की ड्रे वो नहीं चाहिए थी उसने मेरे को बोला जैसे उसकी बेटी की डॉल की ड्रेस है ना उसी तरह से बना दे तो इसी तरह से वो शोल्डर वाली ड्रेस बनी हुई थी तो मैंने बहुत ही छोटा वाला सबसे छोटा वाला मैंने ये स्टार नोजल लिया और मैंने इसको भी बनाना स्टार्ट कर दिया और उसको नेम लिखने का स्टाइल बहुत अच्छा लगा तो उसने बोला कि आप इसी तरह से नेम लिख देना जैसे आपने इस डॉल केक में लिखा है और मेरा ये केक भी रेडी हो गया था तो आई होप आज का ये व्लॉग आपको अच्छा लगा डॉल केक्स अच्छे लगे होंगे और बताना जरूर कौन सा वाला आपको डॉल केक ज्यादा सुंदर लगा एंड आई वेट फॉर योर कमेंट्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बाय बाय एंड टेक केयर